हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे ऐसे मेरे पीजी के छोटे भाई बहन होंगे जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पीजी प्रोग्राम्स के जरिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर 11 नवंबर 2022 को ऑफलाइन या फिजिकल ओपन राउंड कंडक्ट हो रहा है। ओपन राउंड बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है इसके रिगार्डिंग। ओपन राउंड का मतलब वो होता है जो कि सभी के लिए ओपन हो, जिसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपको कोई भी पाबंदी नहीं होती है। किस चीज़ की पाबंदी नहीं होती है? रजिस्ट्रेशन की पाबंदी नहीं होती है। इसका बेसिकली सीन्स ये निकलता है कि आपने उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET पोर्टल पर रजिस्टर किया हो या ना किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बोला जाता है ओपन काउंसलिंग, जो कि सभी के लिए ओपन होते हैं। चाहे वो झगड़ा किया हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, सभी लोग आ सकते हैं, उसको बोलते हैं ओपन, राइट। बहुत सारे लोग ओपन शादी भी रखते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे लोग शादी में आ जाते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को ओपन बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, क्या सारा सीन होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं यहाँ पे पीजी के अंदर, चाहे वो एमएससी फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, वहाँ पे जो आपको ऑलमोस्ट 30 to 40, 50, 60 बहुत सारे कोर्सेज के अंदर सीटें जो है देखने को मिल रही है, जो कि वैकेंट है, राइट। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, स्पेशली बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे तो बिहार एंड यूपी से आने वाले हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मेरे टेलीफोनिक कंजर्वेशन होती है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है रिगार्डिंग दिस एडमिशन, ऑलमोस्ट बच्चे बिहार एंड यूपी से आते हैं, बहुत सारे बच्चे तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु से भी आते हैं। तो आप लोगों को पहले आप दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली से जो आप डायरेक्टली या तो शेयरिंग के अंदर कैब आती है, ठीक है, जो कि आपको 300 to 350 रुपये के अंदर छोड़ देगी, या महेंद्रगढ़ आप डायरेक्टली आ सकते हो, या फिर आपके लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है अंबाला आने का, आप डायरेक्टली अंबाला आके महेंद्रगढ़ जा सकते हो, ठीक है। मेरे को उस एरिया का आप जो भी अपने गूगल के हिसाब से देख सकते हो कैसे आना, क्या आना, क्या नहीं आना। जैसे आपको यार फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंक ये रखना है, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने मार्क्स पे मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ने जो है पहले आपको तीसरा थर्ड ओपन राउंड जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की थी, ठीक है, स्पेशली आप अगर एक गर्ल कैंडिडेट है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप जरूर आ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट को जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एंड उसके साथ ही जो है मतलब बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट कम आती है, ठीक है। अगर मैं 100 लड़कियों को बोलता हूँ तो जाहिर सी बात है 15 ही आती है, ठीक है, ये इंडिया है। बहुत सारे पेरेंट्स उनके साथ नहीं आते हैं तो वो अकेले आती नहीं है, एंड बहुत सारे जो भी है सपोर्ट नहीं होता, एंड बहुत सारे बॉयज कैंडिडेट भी बहुत कम आते हैं कि भैया होगा कि नहीं होगा, मेरे को जाना पड़ेगा, बस मैं ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। तो यार जस्ट आप अगर ये 10-15 दिन अगर थोड़े जस्ट लाइक मेहनत करके गुजार लेते हो, तो हो सकता है आने वाले 3-4 दिन, 3-4 साल आप कॉलेजों में किसी अच्छे कॉलेज में सुकून से गुजार लो। तो प्लीज़ आप इस 15-20 दिन की थोड़ी सी मेहनत कर लो भागने दौड़ने की, ठीक है। आज हरियाणा गए, कल पंजाब जाना, ठीक है, हेमवती गढ़वाल जाना, राजस्थान जाना, तो थोड़ी सी मेहनत करना सीखो। अभी 15-20 दिन है, इस 15-20 दिन में थोड़ी मेहनत कर लो। अब बात करते हैं यार कट ऑफ मार्क्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हो थर्ड राउंड के अंदर जो कट ऑफ रहा है उसका 50 जो कट ऑफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा है 180 मार्क्स, ठीक है। तो आपके अगर 140 या 130 या 120 के आसपास अगर बन रहा है तो आप लोग जो है जरूर से विजिट कर सकते हो ऑफलाइन, ठीक है। एंड अगर कट ऑफ रहा है 180 और अगर आपके 100 से भी कम है या फिर 80 से भी कम है तो आपका आने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपकी SC ST PWD वो वाली कैटेगरी आती है तो आप जरूर से विजिट करें। जनरल वाले बच्चे हैं वो 50 कट ऑफ गिरा सकते हो, 50-60 गिरा सकते हो आप मैक्सिमम। 60 से भी अगर आपका कम है तो फिर काफ़ी कम चांसेस बनते हैं आपके, ठीक है। तो इस बात का सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और जो भी आप लोगों को कोई डाउट होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाते लेकिन ट्राई करते हैं करने का, ठीक है। इसके साथ और कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे आपका। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी आपको एडमिशन के काफ़ी सारे चांसेस मिल जाएंगे जल्दी, वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रहने वाली हैं। हरियाणा के अंदर आपकी क्लासेस 14 तारीख से कंडक्ट होने वाली है, 11 तारीख को आप लोग जरूर से विजिट करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत सारे यार कोर्सेज की मैं अभी डिटेल चेक कर रहा था, काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है। हालांकि हम जो है कुछ कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं किसमें कितनी सारी सीटें वैकेंट रही है। तो गाइस जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखें
एमएससी फिजिक्स के अंदर। तो गाइस एमएससी फिजिक्स में जो टोटल सीटें हैं वो 30 वैकेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे जो है ये एमएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इनमें। यहाँ पे देख सकते हो एमएससी केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रही है। यहाँ पे यार कट ऑफ भी रिलीज कर दिया गया है कि पिछले कितना कट ऑफ रहा था, ठीक है। वैकेंट सीट यहाँ पे जो दी गई है 13 है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 8 है, तो 10 और 13 23 हो गई, 23 और 5 28, 2 30 32 सीटें हैं, राइट। उसके बाद रिजर्वेशन कोटा भी है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे जो है एससी के अंदर सेकंड काउंसलिंग में 131 रहा है, एसटी में 84 रहा है, पीडब्ल्यूडी में यार अभी तक किसी ने एडमिशन नहीं लिया है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा कोई है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड यहाँ पे जो है किसी ने अप्लाई नहीं किया पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 2 सीटें वैकेंट पड़ी है। बहुत सारे कोर्सेज में जो है वो बहुत ही कम बच्चे एडमिशन लेते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो फेक डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि भैया हम फेक डॉक्यूमेंट बना ले क्या है, डॉक्टर जो है वो हमारे चाचा जी विधायक हैं और हमारे हॉस्पिटल नज़दीकी है, तो हम क्या करें पीडब्ल्यूडी बना लें, तो वो नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, पकड़े जाओगे। और जो डॉक्यूमेंट रस्टिकेट होगा वो अलग से, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखियो, ठीक है। यार एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रही है, जैसा कि यहाँ पे कट ऑफ भी काफी हाई रहा है, ठीक है। जनरल वाले बच्चों के लिए 216 रहा है, ईडब्ल्यूएस 202, पीडब्ल्यूडी 127, उसके साथ 146 एसटी कैटेगरी, एससी 175 है, ओबीसी 197, ईडब्ल्यूएस 200। तो यार काफी लो मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा आप लोगों का, जरूर से विजिट करना सीओ राज हरियाणा, ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर है ये। गूगल पे आपको मैप वगैरह पे सारी डिटेल मिल जाएगी। जो है 11 नवंबर को आप ट्राई करना, 8 बजे सुबह पहुंच जाओ, ठीक है। एंड हालांकि आपको 9 बजे आई थिंक बुलाया होगा, तो आप वेबसाइट पे चेक कर लेना कितने बजे बुलाया, जो भी है। फिजिकल काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग है, सभी बच्चे आ सकते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो ना किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जो है यूनिवर्सिटी को सम्राट पोर्टल पर रजिस्टर किया हो ना किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप आते हैं वही फर्क पड़ता है। आपके पास एक सीयूईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट सुन लो ध्यान से, ग्रेजुएशन का आपका जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, माइग्रेशन चाहिए, करेक्टर चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी जो भी फीस दी गई है फीस लेके आनी है आपको, इसके साथ ही आपको फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर ये भी चाहिए होता है, ठीक है। फोटोग्राफ सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, फीस कॉलेज वालों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सारे लेकर आई हो, अगर आपको कोई गैप है तो एफिडेविट लेके आना, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड हो गया, फोटोज एंड अदर नॉर्मल यही चलता है, ठीक है। थैंक यू।